हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक ये है आइडियल डेली रूटीन, कि हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे कमेंट में कि हमें आइडियल डेली रूटीन बताओ सर, कि कैसे ये हमें फॉलो करनी है, नीट के लिए टाइम भी हमारा कम है। तो उसके लिए मैंने बनाया भी था पहले परफेक्ट टाइम टेबल क्या होनी चाहिए। वो 6 मंथ्स की टाइम टेबल थी कि आपको 6 मंथ्स में कौन से टॉपिक को कम्प्लीट करनी है। हर एक वीक को मैंने वीकली टॉपिक अलॉट किए हैं उसमें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने लिंक में वो टॉपिक दे रखा है। ये जो है डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, उस पर मैंने ये लेशन बनाया है, तो आप जरूर देखें इसे आगे लास्ट तक। लास्ट में मैंने सैंपल दिया है टाइम टेबल का कि क्या होना चाहिए। तो ये जो टाइम टेबल है, ये जो डेली रूटीन है, ये नीट एस्पायरेंट के लिए है जो 2019 में एग्जाम देने वाले हैं। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये फॉलो हो पाएगा, क्योंकि जो कोचिंग्स वगैरह कर रहे हैं उनके तो 6 से 7 घंटे वहीं चले जाते हैं, तो मैनेज कर सकते हैं इस टाइम टेबल में, वो भी इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए, सबको 24 आवर्स अलॉट हैं, चाहे वो टॉपर हों चाहे वो फेलियर हों। इनमें से ही कोई टॉपर बन जाते हैं टाइम को यूटिलाइज कर और कोई सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। चाहे रैंक 1 है उन्हें भी 24 आवर अलॉट हैं, चाहे जो लाखों में रैंक लाते हैं उनको भी तो 24 आवर ही अलॉट है। पहले तो आपको क्या करना है कि जो आने वाली एक वीक है उसका आपका शेड्यूल तैयार होना चाहिए कि मुझे कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। टॉपिक मैंने मेंशन कर रखा है 6 मंथ वाले टाइम टेबल में, आप लिंक में देख सकते हो। प्लान योर डे, डे को आपका प्लानिंग होना चाहिए कि इस समय मैं ये करूं। तो इसके बाद है कि आपको ब्रेकफास्ट जो है वो स्कीप नहीं करनी है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि अगर आप ब्रेकफास्ट स्कीप करते हो तो आपकी बॉडी लेथार्जिक होते जाती है, धीरे धीरे वो लेजी होते जाती है। तो इसमें आप सिंपल सा 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 बनाना आप ले लो और 1 ग्लास मिल्क ले लो, 2 मिनट में आपका काम कंप्लीट है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट अवॉइड बिल्कुल ना करें, चाहे कुछ अर्ली बर्ड हो सकते हैं या नॉक्टर्नल, मीन्स जो लोग दिन में पढ़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो जैसा आपका है, कुछ चेंजेस नहीं करनी है। अगर आप दिन में पढ़ते हो तो दिन में कर सकते हो, रात में पढ़ते हो तो रात में कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हमारा 6 to 8 आवर्स स्लीप होना चाहिए, कि 6 to 8 आवर्स में आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते, मिनिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स, 8 आवर्स से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। एक मिथ है, मॉर्निंग मिथ इसे मैं बोलता हूँ, कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सुबह में पढ़ने से याद होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी रिसर्च में तो ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, सुबह में शांति होती है इसलिए अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, तो आप कभी भी मेंटेन वो चीजें कर सकते हो। रूम अगर आपका बंद है, सेपरेट रूम है, वो चीजें कभी भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, जिम, योगा, एरोबिक्स, लाइट वॉक, कुछ भी आप कर सकते हो एक्सरसाइज के लिए। आप एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें, हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माना आप नीट क्वालिफाई कर डॉक्टर बन भी गए, आप इतने मोटे हो चुके हो, 35 में आपका हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो फिर कुछ मीनिंगलेस हो गई लाइफ ना पूरी। तो इसलिए एक्सरसाइज को कभी अवॉइड ना करें। तो ये आपके 10 आवर्स पूरे दिन भर के जो निकलने चाहिए, 10 आवर्स में स्लीप, एक्सरसाइज और फूड, ये आ जाना चाहिए। उसके अलावे जो 14 आवर्स बच रहे हैं आपके पास, वो 14 आवर्स में आपको स्टडी करनी है, और ज्यादा बड़े स्टेप्स नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं। और कब बड़े स्टेप हमारे पूरे हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलता। नीट तो क्वालिफाई करना है, ये तो मानकर आप चलो और हो जाएगा, ये विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखें, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टेक्निक्स है जो आपको फॉलो करनी है। एक टेक्निक होता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये बेस्ट मानी जाती है, रिसर्च प्रूवन मेथड है। इसमें क्या होता है, टाइमर सेट किया जाता है 25 मिनट्स या 50 मिनट्स का। 50 मिनट्स में आपके पास वर्क अलॉट होते हैं, 50 मिनट्स में आपको स्टडी करनी है, उसके पास 10 मिनट्स की ब्रेक होती है। ये आपको चीजें फॉलो करनी है, स्टडी और ब्रेक, 50-10, 50-10, आपको यही पूरे शेड्यूल में चलानी है। 50 मिनट्स में जैसे आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया कि मुझे नॉन कोर डेटा टॉपिक 50 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है, तो 50 मिनट आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। फायदा क्या होता है, बेटर क्वालिटी वर्क होता है, आप फोकस बूस्ट हो जाती है आपकी, अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है, मीन्स अर्जेंट है मुझे करना है तो कोर डेटा करना है, नॉन कोर डेटा करना है तो इन 50 मिनट्स में ही करनी है। मोर स्टफ डन, ज्यादा से ज्यादा चीज आप कंप्लीट कर सकते हो टाइमिंग सेट कर रहे हो तो। नेक्स्ट है संडे के दिन आपका होना चाहिए रिवीजन प्लस टेस्ट। बिल्कुल संडे को कोई नई चीजें नहीं पढ़नी है, रिवीजन प्लस टेस्ट। आपकी जो की टू सक्सेस इन नीट है वो एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस रिवीजन, ये चीज तीनों आपको करनी है।
नेक्स्ट है कि एक सैंपल क्या होना चाहिए, वो सैंपल मैंने बता रखा है। अभी टाइम विंटर की चल रही है, विंटर में क्या होता है हम लेट से सुबह उठते हैं, तो ज्यादा पहले उठने की जरूरत भी नहीं है। आप मॉर्निंग में जैसे आप 7 बजे उठ गए, मैं 8 बजे की बात से बता रहा हूँ, मॉर्निंग में 8 से 11 बायोलॉजी पढ़ो, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी थ्योरेटिकल चीजें होती है, मजा भी आता है बायोलॉजी पढ़ने में। तो सुबह में आप ये कर सकते हो, बायोलॉजी बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़े। अगर आप बोर हो रहे हो एनसीईआरटी पढ़ने में तो बिट्स फॉर बायोलॉजी इसी चैनल के आप वीडियो देख सकते हो, क्रैश कोर्स मैंने निकाल रखे हैं। नेक्स्ट है 11 से 12, इसमें आप लंच करो फिर रिलैक्स हो जाओ कुछ देर के लिए। 12 से 3 में केमिस्ट्री पढ़ो। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं करना है कि फिजिकल है, एक दिन फिजिकल पढ़ रहे तो अगले दिन इनऑर्गेनिक फिर ऑर्गेनिक, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले फिजिकल को कंप्लीट करें फिर इनऑर्गेनिक को या फिर ऑर्गेनिक को, जैसा आपका सुविधा हो, पहले ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं आप, मैंने वो टाइम टेबल में बता रखा है। नेक्स्ट है इवनिंग का 3 से 4, इसमें आप स्नैक्स लोगे कुछ फिर रिलैक्स करोगे। आप कुछ भी ले सकते हो, चॉकलेट वगैरह भी ले सकते हो कभी, क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे बॉडी में जाता है। नेक्स्ट है शाम का 4 से 7, इसमें आप फिजिक्स पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाएं, थ्योरी बिल्कुल ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि थ्योरी से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 45 में 45 न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट समझा हुआ होना चाहिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट है शाम का 7 से 8, इसमें आपको डिनर करना है प्लस इसमें रिलैक्स करना है। नेक्स्ट है 8 से 10:30 जो शाम का टाइम है, इसमें बायोलॉजी करनी है आपको, फिर से बायोलॉजी की 2 टाइम है क्योंकि 90 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रात का 11 से 12, जो भी चीजें आपने पूरे दिन में पढ़ी हैं उसको ये नाइट में आपको रिविजन करना है, क्योंकि तभी वो चीजें कंटेंट हमारे दिमाग में रह पाती हैं, नहीं तो अगले दिन फिर आपको 30% ही याद हो पाएगा, 20% ही याद रह पाएगा। फिर आप स्लीप लोगे 12 से 7 का। स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बच्चे पूछते हैं कि सर स्लॉट में सो सकते हैं, रात को 3 घंटे फिर सुबह 3 घंटे दोपहर में 1 घंटे, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक स्लॉट में आप 7 घंटे 6 से 7 घंटे तक सो, वो इफेक्टिव स्लीप होती है, उसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 7 to 8 जो सुबह का मॉर्निंग का है, 7 to 8 उसमें आपको एक्सरसाइज करना है। अब प्लीज ब्रेकफास्ट बिल्कुल अवॉइड ना करें, तो ये आपका डेली रूटीन मैंने जो बताया है वो आप जरूर फॉलो करें, तो सिलेक्शन तो नीट में आपको कोई नहीं रोक सकता इस बार। कोशिश करो यार, हो जाएगा, अगले साल की मत सोचो और दूर रहो, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहो, फोकस्ड रहो अपने गोल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।